हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी टी एस्टेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रेवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पालमपुर के टी गार्डन्स में। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वह है पाव टी एस्टेट। ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो टी फार्म्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ग्रीन टीज बनाई जाती हैं। जो नॉर्थ ईस्ट में जो चाय बनती है वो ब्लैक टी है, लेकिन यहाँ पर जो कोतायत में बनाई जाती है वो अलग अलग तरह की ग्रीन टीज, और जो बहुत ही प्रचलित है वो है वाइट टी। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं पाव टी एस्टेट। फ्रेंड्स, वाव टी एस्टेट में आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। नॉट ओनली कि यहाँ पे टी टेस्टिंग टूर्स है, इस टी गार्डन्स को आप पूरे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक टी गार्डन का वॉक अराउंड कर सकते हैं। जो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अराउंड 300 एकड़ ये पूरा एरिया फैला हुआ है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पे टी प्लकिंग सेशंस भी होते हैं। जो टी प्लकिंग हो रही है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और इसके साथ में चाय कैसे बनती है इसका भी आप टूर कर सकते हैं। जो 15-20 मिनट में पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं कि किस तरह से टी प्लकिंग होती है और किस तरह से ग्रीन टी या ब्लैक टी बनाई जाती है। इसके साथ ही जो टी टेस्टिंग सेशन है वो बहुत ही अच्छा है। जो शॉपिंग आप कर सकते हैं, अलग अलग तरह की चाय यहाँ से खरीद सकते हैं, और उसके बाद अगर आपका मन करे तो आराम से टी गार्डन्स के बीच में बैठकर एक कप चाय के या कुछ स्नैक्स वगैरह अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। तो वाव टी एस्टेट आपकी आइटनरी में ज़रूर ऐड होना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आए और आप टी गार्डन्स को एक्सप्लोर ना करें तो ये बहुत इनजस्टिस हो जाएगा हिमाचल में वाव गार्डन जैसी प्रॉपर्टी के ऊपर। Tasting is just like a wine tasting. What the juices do? They directly pick it from there. Disrupts. So the oxygen infuses all the tungstructure. Then you definitely get the real taste. जो भी चाय आपको पसंद आए यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। टी टेस्टिंग इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो ये देखिए मेरे पीछे जो काउंटर्स बने हुए हैं। प्लांट ट्री की तरह होता है, नीचे स्टेम देन उसकी ब्रांचेज होती है। इसको आप देखोगे हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स में एक पूरा शब बनाते हैं, पूरा छड़ी बनाते हैं। तो ये है कैमेलिया साइनेसिस, जो सैम में है वो कैमेलिया असैमिका साइनेसिस। अब जो इसका जो हमारा सीजन होता है प्लकिंग और प्रोसेसिंग है बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर, जो हम प्लक करते हैं दैट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रेड ढाई पत्ता। इसको बिल्कुल पास देखिए, जो अन ओपन बटन आपको दिखाऊंगा मैं, इसको आप छोटे हेयर्स देखेंगे इसके ऊपर। इसको हम कहते हैं सिल्वर नीडल। तो व्हाइट टी इससे बनती है। ओह
अंदर वाला अनओपन बर्ड है ना, छोटे छोटे हेयर्स दिखते हैं, इससे बनती है वाइट टी। और बाकी जो पत्ते रह गए उससे मैं ग्रीन टी बना सकता हूँ, ब्लैक टी बना सकता हूँ, ओलोंग टी बना सकता हूँ। तो इससे मिल्क टी बनाएंगे जो आपके यहाँ अच्छी नहीं बनेगी, कलर आएगा नहीं। इसीलिए अपन जो हम चाय बनाते हैं रूम में उसमें कलर भी नहीं आता है, समय से पतंग नहीं, वो जो आपके वहाँ वो लगा हुआ है कड़क टी वाला, वो इनके कजन के गार्डन है असम में, वहाँ का और यहाँ का मिक्स है। अच्छा, जो दूध वाली चाय होती है हम उसे कहते हैं सी टी सी, कट टियर एंड कर, जो दानेदार बनती है वो असम से आती है, सी टी सी मिक्स का इसके साथ। अगर आपको यहाँ वाली चाय आप खरीद के जाते हो, दूध वाली बनानी हो आपने, हमेशा उसको मिक्स कीजिए विद द सी टी सी, तभी वो कलर आएगा, नहीं तो कलर नहीं आता है, टेस्ट तो आ जाएगा। हाँ, फ्लेवर के लिए ओनली वो फ्लेवर होता है, दैट्स वाई हम इसको हॉट वाटर में पीते हैं। जो कांगड़ की चाय है, दार्जिलिंग की चाय है, ये ब्रू वाली होती है, हॉट वाटर वाली। वाइट टी की क्या क्या क्वालिटी होती है? वाइट टी में आपका फ्लेवर जरा भी नहीं आएगा, लेकिन हाँ कैफीन कंटेंट ना के बराबर। वो इतनी कॉस्टली क्यों रहती है वाइट टी? वाइट टी क्योंकि मुझे जो हमारी प्रॉपर्टीज अभी कॉल्ड इट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हाईएस्ट है, उसमें आपका इज अ लेस प्रोसेस टी, हम सिर्फ अन ओपन बर्ड और सिंगल लीफ को अलग कर लेंगे, उन्हें ड्राई करते हैं ओनली इन द सन, देन वी पैक। अच्छा, स्पाइडर वगैरह। और जो देखिए, जो ग्रीन टी है इट इज़ अ नॉन ऑक्सीडाइज टी, ब्लैक टी इज ऑक्सीडाइज टी, एंड ओलोंग टी इज़ अ सेमी ऑक्सीडाइज टी, तो पत्ता सारा सेम होता है। अब देखिए जो चाय का जो कंसेप्ट है, स्टार्टेड फ्रॉम द चाइना अराउंड वर्ल्ड 5000 AD, हुआ कैसे था ये? वहाँ पे एक एम्परर था, उसका नाम था शेनलोंग, उसे एक आदत थी रोज़ सुबह उठ के वो उबाल के पानी पीता था हेल्थ पर्पस के लिए। एक दिन वो कहीं से वापस आ रहा था, काफ़ी थका हुआ था, वो ऐसे ही किसी पेड़ नीचे बैठ जाता है, पानी उबाल रहा था, कुछ पत्ते आके पानी में गिरते हैं, उस पानी को पीता है, उसे टेस्ट तो अच्छा नहीं लगा लेकिन बॉडी में कुछ अच्छा महसूस होता है। फिर वहाँ से सर्चिंग से बड़ी टेस्टिंग से बड़ी चीज़ है क्या? अब देखिए, जैसे हम इंग्लिश में टर्म यूज़ करते हैं ना टू टेस्ट या टू इन्वेस्टिगेट, उसका जो टर्म यूज़ करते हैं चाइना में वो होता है TCHA, टी साइलेंट सी एच ए चा, चा मीन्स इन्वेस्टिगेशन, चाइना जबान में चा ही कहा जाता है, तो चा का चाय वो फिर हमने कर रखा है वो। तो ब्रिटिशर्स को ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था डच पीपल ने अर्ली 16th century में, दैट टाइम तक ये जस्ट लाइक अ मेडिसिन यूज़ होता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब टाइम बीतता गया, कंजम्पशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो चाइना की चाय की डिमांड थी, ब्रिटिश इंडिया तब होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देन आप यूरोप कंट्रीज में, तो ब्रिटिशर और चाइनीज लोगों के बीच एक ट्रेड शुरू हुआ था, दैट वॉज एन ओपियम ट्रेड। ओपियम बेचते थे चाइना, वहाँ से चाय लेके आते थे, ये चल रहा था, लेकिन चाइनीज़ क्या कर रहे थे, ओपियम को टोबैको मिक्स करते थे, उसे वो पीते थे। अब ये चीज़ उनके हेल्थ पे गलत इफेक्ट डाल रही थी। तो 19th century की शुरुआत तक क्या हुआ था, ओपियम वॉर शुरू हो गया था, मतलब चाइना ने फुली बायकॉट कर दिया, तब बायकॉट कर दिया, तब अब तो चाय तो चाहिए थी ब्रिटिशर्स को, देन दे थॉट ये टाइम है कि चाइना के मोनोपोली को एंड करते हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ जासूस भेज दिया चाइना, वहाँ से वो टी सीड चुरा के ले गया, टी सीड मैंने उनको पीछे दिखा रहा था, लेकिन जब ये तो ये ऐसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है ऐसा, इट्स लाइक दैट, ये ऐसा हो जाता है ऑयल, इसके अंदर से ना बीज निकलता है उससे बनाया जाता है ऑयल, अभी ऐसा कुछ नहीं आएगा। चुरा के तो लेके आ गए, लेकिन वो बात आती कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि पता नहीं कैसे ग्रो करना है, कोशिश करी सक्सेस नहीं। कुछ सालों बाद उन्होंने क्या किया, 1840-51 के बीच एक पर्सन का नाम था रॉबर्ट फॉर्च्यून, स्कॉटलैंड से था, बॉटनिस्ट था, उसे हायर किया, उसे भेजा चाइना इस गाइस मोर बना के, ये बात है 1840-51 के बीच। उसने लगभग 2.5 साल चाइना में बिताए थे, उसने हर चीज़ को स्टडी किया, कल्टीवेशन प्रोसेसिंग जो भी चाहिए था। जब वो वापस आया था, उसने भी उसे भी स्मगल करना पड़ा, उसने स्मगल किए 15,000-20,000 टी सीड्स प्लस लिटिल प्लांट्स प्लस 80 स्किल्ड वर्कर्स, ही इज नोन एज चाय चोर, उसे टी थीफ कहा जाता है। कभी भी आप गूगल पर सर्च करना, रॉबर्ट फॉर्च्यून हमेशा लेके आता द टी थीफ, उसने सेट किया था देन इन दार्जिलिंग प्लांटेशन जो हुआ था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, 1821-23 के बीच असम में चाय डिस्कवर हो गई थी, जो हमारी ब्लैक टी है। तो हुआ ऐसे था, वहाँ पे एक ट्राइब थी शिंगपो ट्राइब, उस ट्राइब के लोग क्या करते थे, कुछ प्लांट के पत्तों को प्लग करते थे, उन्हें सुखाते थे, उसे पीते थे। ये चीज़ वहाँ पे मानेराम दीवान था, वो मर्चेंट, उसने देखा था, तो ये चीज़ बताई उसने रॉबर्ट ब्रूस को कि सर ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनको उनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो आप जाके सर्च कीजिए वो है क्या। उन्होंने सर्च किया था तो वो चाय थी, दैट वाज ब्लैक टी। तो 1830s में असम में टी कल्टीवेशन शुरू हो गया था और 1838 तक कमर्शियली प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। पानीपुर में जो फर्स्ट टी कल्टीवेशन हुआ था वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर ऊपर है, होल्टा जगह के नाम है, वहाँ पे हुआ था, जो ये स्टेट है इसका हुआ था 1857 में। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था 1905 में, उससे पहले तक ब्रिटिश के पास था। आफ्टर द अर्थक्वेक ये ले लिया था सर सिकंदर हायद खान,
और वो जिस जगह से बिलोंग करते थे उस जगह का नाम है वाह। पहले पूरा पंजाब हुआ करता था, अब वो जगह जो है वाह लाहौर में पाकिस्तान में। दैट्स व्हाई जो नाम जुड़ा ना वाह टी एस्टेट, उनके बाद से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हल्का सा 5 मिनट वॉक चल के ऊपर से हमने योगशाला बना रखा है जहाँ पर उनकी हवेली हुआ करती थी, जला दी गई थी ड्यूरिंग राइड्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1953 पब्लिक ऑक्शन होता है जहाँ पे ऑक्शन में से चायवाला फैमिली बेसिकली फ्रॉम देहरादून उसे खरीद लेते हैं। अब तो कलकत्ता में सेटअप है, तो उसको रन कर रहा है 3rd एंड 4th जनरेशन मिस्टर दीपक प्रकाश, उनका लड़का सूर्य प्रकाश। टोटल इनके पास लैंड है 526 एकड़, आउट ऑफ विथ 300 एकड़ में टी कल्टिवेशन है। सो प्लांटेशन वाइज इज द लार्जेस्ट इन हिमाचल और वन ऑफ द ओल्डेस्ट टॉप 10 टी एस्टेट्स ऑफ इंडिया। अब जो मैं आपको बता रहा था जो प्लकिंग एंड प्रोसेसिंग सीजन होता है, जो 2.5 पत्ता जो आता है 3 पत्ता जो आता है, इसके जो मिनिमम टेम्परेचर है 14 डिग्री, मैक्सिमम अप टू 33-34 डिग्री। दैट्स वाई प्लकिंग एंड प्रोसेसिंग सीजन इज बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर। विंटर्स में पत्ता आता नहीं है इसलिए कोई प्लक नहीं करते हैं, कोई प्रोसेस नहीं होता है। देखिए विंटर्स में नवंबर से मार्च तक हम क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, क्योंकि इनकी प्रूनिंग को कटिंग ना करें 9 से 10 फीट तक ग्रो कर लेंगे। उसके बाद जो आजकल क्रॉप आ रहा है फर्स्ट हार्वेस्ट, वी कॉल इट अ फर्स्ट फ्लश, अप्रैल तोड़, तो इस टाइम जो चाय बनती है वो 2-3 टाइम एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स, और फ्लेवर बहुत सही होता है। सेकेंड फ्लश इज मई जून में जो समर फ्लश होता है, थर्ड इज मानसून फ्लश होता है जुलाई अगस्त, एंड लास्ट होता है आपका सेप्टेम्बर और अक्टूबर विंटर फ्लश। आज मैं प्लग कर रहा हूँ, जो 2.5 पत्ता मैंने प्लग किया है तो विद इन 6 to 7 days नहीं आ जाता। मानसून में कम्स आउट ऑन 4th to 5th डे, तो प्लकिंग रोटेशन वाइज चलता रहता है, चलता रहता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हो रहा था, अब यहाँ की बारी आएगी 3-5-6 दिन बाद, कल कहीं और होगा, परसों कहीं और होगा। अभी कहीं हो रहे हैं, अभी बस थोड़ी देर पहले तो हो रहा था, अभी हम शाम को 2.5 पत्ता दीजिए। ये 2.5 पत्ता ही ना था, एक वो हिंदी गाना भी है दो कली कुछ ऐसा है। हाँ ये 2.5 पत्ता का अच्छा दार्जिलिंग में भी यही था, तो मैंने पता सेटअप तो दार्जिलिंग में किया था, लेकिन दार्जिलिंग में 70% चाइनीज बुश उन्होंने अपलोड कर उखाड़ दी है। अब वो वहाँ पर हाइब्रिड लगा रहे हैं असम और चाइनीज़ का, क्योंकि दार्जिलिंग में प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुँच पाती थी, तो उनको जितना क्रॉप चाहिए उतना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने सेंटमस उखाड़ दिया। तो जो भी आपका आपको लिख कर हम कहते हैं स्ट्रेंथ चाहिए वो असम से है, रिवर चाहिए दैट्स फॉर द चाइनीज। इसमें आपकी कन्वेयर बेल्ट्स लगी हुई है, इस ड्रायर के अंदर टेम्परेचर आपका मेंटेन है 130 डिग्री सेल्सियस तक। हम चाय पत्ती ऊपर डालते हैं, 5 times goes back constant, ये चलता है 23 मिनट साइकिल, 6 टाइम ये नीचे आते हैं, जब यहाँ से बाहर आ जाएगा मॉइस्चर रहता है 200%। देखिए जब पूरा सीपिंग हो जाती है ना छानना जब आता है, हमारे पास 4 गेट आते हैं, फर्स्ट इज द लीव्स, सेकंड ब्रोकन्स, थर्ड फैनिंग्स, फोर्थ डस्ट। ये लाइट होता है और फ्लेवर वाइज हाईएस्ट, और जितना ज़्यादा टूटता जाता है फ्लेवर कम होता जाएगा, कलर ज़्यादा आएगा। ओके, लोएस्ट ग्रेड आपका आता है नॉर्मल टी बैग्स जो आते हैं उसमें आता है, आजकल पिरामिड शेप के टी बैग्स भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, उसमें आपका ये फॉर्म आता है, दिस इज द बेस्ट। टी बैग वाली चाय मत पीना, लोएस्ट ग्रेड की चाय आपको सब पिरामिड वाली पीना। ये मिलती ना मार्केट में, मिलती है आती है। हाँ, तो ये 4 ग्रेड आते हैं हमारे पास।